मेहुल पार्क में वॉक कर रहा था, तभी उसे एक कॉल आता है। सर सर, शहर के बाहर एक प्लास्टिक का ढेर रखा हुआ था, वो रातों रात गायब हो गया। मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है तो वो देखता है कि सच में प्लास्टिक के कचरे का पहाड़ जैसा ढेर बिल्कुल गायब हो गया है और आसपास में कोई भी गाड़ी या ट्रक के पहियों के निशान नहीं है। मेहुल वहां के पुराने पिक्चर्स भी देखता है। इंटरेस्टिंग, भला ये कैसे संभव है, प्लास्टिक के कचरे का इतना बड़ा ढेर रातों रात कैसे गायब हो सकता है। तभी वहां मेहुल को कुछ पैरों के निशान दिखते हैं। क्या आप इन पैरों के निशान को देख के बता सकते हैं ये किसके हो सकते हैं? सोचिए और मुझे आपके आंसर कमेंट करके बताएं। ये पैरों के निशान इंसानों के तो नहीं है, किसी जानवर के लगते हैं, लेकिन ऐसे निशान। मेहुल पैरों के सैंपल को लेता है और जांच के लिए डॉक्टर संजना के पास भेज देता है। अब कोई जानवर तो प्लास्टिक चुरा नहीं सकता, फिर ये प्लास्टिक गया कहाँ? मेहुल वहीं शहर के बाहर सबूत ढूंढता रहता है। रात हो जाती है, उसे कुछ नहीं मिलता। उसे भूख लग जाती है तो वो पास वाले शॉप में खाने जाता है। उसके पास 50 रुपए है तो सोचिए और मुझे बताए 50 रुपए में मेहुल यहाँ से क्या क्या खरीद सकता है। एग्जैक्ट 50 रुपीज में 7 रुपए के चिप्स है और 3 रुपए के कोल्ड ड्रिंक्स है। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 7 रुपए में मेहुल 5 चिप्स के पैकेट ले सकता है तो 35 रुपीज हो गए, और 3 रुपए में 5 कोल्ड ड्रिंक्स तो 15 रुपीज हो गए, टोटल 35 रुपीज। केस के बारे में सोचते सोचते सुबह हो जाती है कि तभी मेहुल को कॉल आता है कि शहर के पास एक जंगल में वापस प्लास्टिक का ढेर चोरी हो गया। मेहुल तुरंत अपनी कार निकालता है और वहां पहुंच जाता है। इस बार भी उसे वहां कुछ नहीं मिलता, कोई गाड़ियों के निशान नहीं, कोई सबूत नहीं, लेकिन वो पैरों के निशान यहां भी थे जो समझ नहीं आ रहा था किसके है। इंटरेस्टिंग, वही जानवर के पैरों के निशान वापस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल फिर पैरों के सैंपल ले लेता है और डॉक्टर संजना के पास भेज देता है और वो भी लैब में चला जाता है। डॉक्टर संजना दोनों पैरों के सैंपल्स को अच्छे से चेक करती है और मेहुल से कहती है, ऐसे पैरों के निशान पहले कभी नहीं देखे हैं, पृथ्वी पे ऐसे निशान पहले कभी नहीं मिले हैं, मैंने पूरा डेटा बेस चेक कर लिया, लगता है ये कोई बाहर का जानवर है या कोई एलियन हो। एलियंस, लेकिन एलियंस प्लास्टिक क्यों चोरी करेंगे? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर 2 बार चोरी की है मतलब तीसरी बार भी चोरी होगी, आज रात मुझे चोरी के पहले सही जगह पे पहुंचना होगा। मेहुल सिटी के बाहर पहुंच जाता है तो उसे वहां 2 बड़े-बड़े ढेर मिलते हैं। क्या बता सकते हैं दोनों में से कौन सा ढेर चोरी होने वाला है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ढेर बी में तो लोहे की चीजें हैं और एलियंस प्लास्टिक चुरा रहे हैं, मतलब ढेर ए की चोरी होने वाली है। मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है और पास में एक ट्री के पीछे छुप जाता है। देर रात हो जाती है और मेहुल इंतजार करता रहता है। तभी एलियंस का एक बड़ा स्पेसशिप अंतरिक्ष से वहां पे आता है और उसमें से एक एलियन बाहर निकलता है और जहाज का एक हिस्सा खोल देता है और सारा प्लास्टिक उड़ते हुए जहाज के अंदर जाने लगता है। मेहुल ये सब देख दंग रह जाता है। एलियंस, मतलब एलियन सच में है? कहीं ये मेरा सपना तो नहीं? उस जहाज का एक साइड गेट भी खुला होता है। मेहुल छुपकर उसके अंदर चला जाता है। वो अंतरिक्ष जहाज बहुत बड़ा था। मेहुल उसके अंदर जाता है तभी उसे एक सिग्नल की आवाज आती है, मुझे तुरंत बाहर निकलना होगा, कहीं ये सिग्नल वापस उड़ने का तो नहीं। वह तुरंत गेट के पास जाता है लेकिन गेट लॉक हो गया था। मेहुल गेट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन गेट नहीं खुलता, मेहुल स्पेसशिप में ही लॉक हो गया था। स्पेसशिप उड़ने लगती है और फिर पृथ्वी से बाहर निकल जाती है और अंतरिक्ष में पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद स्पेसशिप कहीं लैंड करता है और उसके दरवाजे खुलते हैं, मेहुल बाहर निकलता है। लगता है मैं एलियंस की दुनिया में आ गया हूँ। सभी एलियंस मेहुल को देख के उसके पास आ जाते हैं और उसे कुछ कहने लगते हैं, पर मेहुल को कुछ समझ नहीं आता। तभी एक एलियन मेहुल के सर पे हाथ रखता है और मेहुल के दिमाग में कुछ चेंजेस आते हैं और वो उनकी लैंग्वेज सीख जाता है और उनकी भाषा भी बोलने लगता है। तुम प्लास्टिक क्यों चुरा रहे हो? हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे प्लास्टिक से पानी बनाया जा सकता है, इसीलिए हम लोग पृथ्वी से प्लास्टिक ले रहे हैं। इंटरेस्टिंग, इससे तो दोनों का फायदा होगा, आपका भी और हमारा भी। लेकिन कैसे, दोनों का फायदा कैसे होगा, क्या आप सोच सकते हैं? एलियंस वेस्ट प्लास्टिक चुरा रहे हैं, पृथ्वी पे प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज्यादा हो गया है, वो कम हो जाएगा और ये टेक्नोलॉजी पृथ्वी में भी यूज कर सकते हैं। मेहुल और एलियंस में दोस्ती हो जाती है और मेहुल ये टेक्नोलॉजी को और सीखने के लिए एक एलियन को लेके वहां से स्पेसशिप में वापस पृथ्वी के लिए निकल जाता है।
एलियंस का जहाज जंगल में लैंड करता है, मेहुल और एलियंस स्पेसशिप से नीचे आ जाते हैं। एलियंस मेहुल को एक रिमोट देते हैं, जिसकी बटन दबाते से ही मदद के लिए एलियंस वापस आ जाएंगे। स्पेसशिप मेहुल और एलियन को छोड़ वापस चले जाता है। मेहुल एलियन को लेके अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ जाती है और वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। मेहुल इससे अनजान अपने एलियन दोस्त को लेके घर आ जाता है। मेहुल अपने घर को बहुत सिक्योरिटी में रखता है और उसके घर का दरवाजा एक पासवर्ड से खुलता है। क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं मेहुल के डोर का कोड क्या होगा? आपको बस एक मैचस्टिक मूव करके ये इक्वेशन को सही करना है। तो सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। आंसर हो जाएगा 9-7=2। मतलब प्लस वाली मैचस्टिक को मूव करके 5 में ऐड कर दीजिए, वो 9 हो जाएगा। तो 9-7=2। डोर खुलता है और मेहुल और एलियन घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर एलियन को एक सॉकेट दिखता है। एलियन उस सॉकेट को पकड़ लेता है तो पूरे घर की लाइट बंद चालू होने लगती है और एलियन भी ग्लो होने लगता है। तभी मेहुल को पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है। घर पजल से लॉक था तो पुलिस अंदर नहीं आ पाती। मेहुल सीसीटीवी में देखता है तो बहुत सारी पुलिस उसके घर के बाहर खड़ी रहती है। अगर एलियन पुलिस के हाथ में आ गया तो इसकी लाइफ को रिस्क है, मुझे इसे बचाना होगा। मेहुल एलियन को लेके पीछे वाले दरवाजे से निकल जाता है। अब मेहुल के पास भागने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला कि वो पैदल चलकर जाए, दूसरा वो अपनी मोटरसाइकिल में भागे, और तीसरा वो अपनी कार में जाए। सोचिए और मुझे बताइए क्या सही रहेगा मेहुल के लिए। मेहुल को अपनी कार में जाना चाहिए क्योंकि एलियन भी उसके साथ है, और अगर वो बाइक से गया तो एलियन सबको दिख जाएगा। मेहुल और एलियन कार में सवार होते हैं और वहां से निकल जाते हैं। दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं और वहां छुप जाते हैं। अगली सुबह मेहुल कुछ खाने के लिए शहर में जाता है, जहां वो टीवी में देखता है कि एलियंस को लेके न्यूज चल रही है, पुलिस भी उसकी तलाश में है। मेहुल तुरंत वहां से वापस जंगल में एलियन के पास पहुंच जाता है तो देखता है कि एलियन बेहोश पड़ा हुआ है। मेहुल उस पर पानी डालता है लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। अगर इसे डॉक्टर के पास लेके गया तो पुलिस इसे पकड़ सकती है और इसे दिक्कत हो जाएगी, क्या करूं? ये सोचकर मेहुल परेशान हो जाता है। तो क्या आप सोच के बता सकते हैं एलियन को वापस होश में कैसे ला सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बिजली के करंट से मेहुल को याद आता है एलियन ने घर पे बिजली की तार को छू लिया था, तब ये ग्लो कर रहा था, मतलब जरूर इसको एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है। मेहुल तुरंत अपनी कार की बैटरी निकालता है और एलियन को करंट देता है, जिससे एलियन को वापस होश आ जाता है। ये दुनिया मेरे दोस्त एलियन के लिए सेफ नहीं है, मुझे इसे वापस भेजना होगा। लेकिन अब मेहुल इसे वापस कैसे भेजेगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मेहुल के पास एक रिमोट है जो एलियंस ने उसे जाते समय दिया था। मेहुल तुरंत उस रिमोट को बाहर निकालता है और उसका बटन दबा देता है। सिग्नल मिलते ही एलियंस का स्पेसशिप तुरंत वहां पहुंच जाता है। एलियन तुरंत स्पेसशिप में चढ़ता है और स्पेसशिप वहां से उड़ जाता है। तभी वहां पुलिस भी पहुंच जाती है। तुम्हारे पास एलियन है, हमें ऐसी खबर मिली है। इंटरेस्टिंग, एलियंस तो सिर्फ कहानियों में होते हैं, रियल में नहीं। और मेहुल वहां से निकल जाता है। मेहुल ने एलियन को बचा लिया। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।